Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर. आप देख रहे हैं स्पीक नॉलेज. दोस्तों मैं एक बात पहले कह देना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है थोड़ा सी कम क्वालिटी की है, जो आपको थोड़ा सी दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं. आज मैं पूरे वीडियो को जो है क्लियर बताते जाऊँगा और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने दूंगा. तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, यानी उसने कथा था. अब अगला क्वेश्चन, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि हैं. तो इसका जो सही उत्तर होगा ए नंबर, यानी ज्ञानेंद्र पति. अब अगला क्वेश्चन, रामेश्वर बहादुर सिंह की कौन सी कविता है? इसका जो सही उत्तर होगा यानी उषा, सी नंबर. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है. तो इसका जो सही उत्तर होगा जनगण का चेहरा एक, यानी ए नंबर सही उत्तर है. अब अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी सी नंबर, मलयज. अब अगला क्वेश्चन, अधिनायक कैसी कविता है? इसका जो सही उत्तर होगा व्यंग्यात्मक. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो सही उत्तर होगा यानी छत्तीसगढ़. अब अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी ए नंबर, 1925 ईस्वी. अब अगला क्वेश्चन, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो इसका जो सही उत्तर होगा कलीराम. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, तिरछी के रचनाकार है? तो इसका जो सही उत्तर होगा उदय प्रकाश. अब अगला क्वेश्चन, तुलसी का बचपन का नाम क्या था? तो इसका जो सही उत्तर होगा रामबेला, यानी ए नंबर. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो इसका ये उत्तर ए नंबर, यानी महाराज छात्रसाल ने. अब अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा डी नंबर, यानी आधुनिक काल के विच्छेद है. तो इसका जो सही उत्तर होगा बी नंबर, यानी यश जोर धरा सही उत्तर है बी नंबर. अब अगला क्वेश्चन, नया का विलोम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा पुराना ए नंबर. ग्राम का विशेषताएं, सॉरी ग्राम का विशेष, ग्राम का विशेषण बताएं? तो इसका जो सही उत्तर होगा ग्रामीण. अब अगला क्वेश्चन, हिमालय का संधि विच्छेद है? तो इसका जो सही उत्तर होगा बी नंबर, यानी हिमजोर आलय. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 19वां क्वेश्चन, जन्म का विलोम है? तो इसका जो सही उत्तर होगा मृत्यु. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मास का विशेषण है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ए नंबर, यानी मासिक. अब अगला क्वेश्चन, तल्लीन का संधि विच्छेद है? तो इसका जो सही उत्तर होगा बी बराबर, यानी ए नंबर इसका सही उत्तर है. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, सेशन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी सी नंबर, दैनिक. अब अगला क्वेश्चन, महेंद्र का संधि विच्छेद है? इसका जो सही उत्तर है महाजोर इस बराबर महेश, सॉरी महाजोर इंद्र बराबर महेंद्र. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, खरा का विलोम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा खरा का विलोम शब्द मीठा, यानी सी नंबर. अब अगला क्वेश्चन आ चुकी है, 27वां क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना है? तो इसका जो सही उत्तर होगा बौ नंबर, यानी बातचीत. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है जयप्रकाश नारायण? इसका सही उत्तर होगा सी नंबर. पेशगी कहानी के लेखक हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी हेनरी लोपेज. अब अगला क्वेश्चन, कबीर किस काल के कवि हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा भक्ति काल, यानी बी नंबर. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यरवे नारायण का रचनाकार है? तो इसका जो सही उत्तर होगा तुलसीदास, डी नंबर. अब अगला क्वेश्चन, कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार है? तो इसका जो सही उत्तर होगा नामवर सिंह. अब अगला क्वेश्चन, अस्त का विलोम है? तो इसका जो सही उत्तर होगा उदय. अब अगला क्वेश्चन, स्थूल का विपरीत तार्थक है? तो इसका जो सही. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
मोती का पर्यायवाची बताएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा मोती का सीप यानी सी नंबर। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 37वां क्वेश्चन, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी घर में छुपा शत्रु। अब अगला क्वेश्चन, आंख एक आंख से देखना मुहावरा का अर्थ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा समान रूप से देखना। अब अगला क्वेश्चन, नयन का संधि विच्छेद है। इसका जो सही उत्तर होगा नेजोर अन बराबर नयन। अब अगला क्वेश्चन, निश्चित का संधि विच्छेद है। इसका जो सही उत्तर होगा डी नंबर यानी निजोर चल। अब अगला क्वेश्चन, अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका जो सही उत्तर है सी नंबर यानी अनु। अब अगला क्वेश्चन, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आई। अब अगला क्वेश्चन, चंद्रमुख कौन सा समास है। इसका जो सही उत्तर है कर्मधारय। अब अगला क्वेश्चन, लंबोदर कौन सा समास है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बहुव्रीहि। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, कनक का अर्थ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कनक का सोना। अब अगला क्वेश्चन, दूध का पर्यायवाची है। तो दूध का सही उत्तर जो होगा बी नंबर यानी शीर। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गाल बजाना का मुहावरा का अर्थ है। तो इसका जो सही उत्तर है यानी व्यर्थ में हाँकना। अब अगला क्वेश्चन, गले मड़ना मुहावरा का अर्थ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी सी नंबर